गाइस ऐसा आप लोग को बेस्ट नया एप्लीकेशन देने वाले हैं जो आप लोग जान करके ना बहुत ज्यादा अपने आप से कंफ्यूज रहेंगे, यार पहले क्यों नहीं मैं सोचा था ये हमें एप्लीकेशन मिल जाए और हमारा एडिटिंग आपके जैसा आर्टिस्ट भाई के जैसा बहुत ही भौकाल बने फोटो। सो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो ऐसा मैं एप्लीकेशन बताने वाला हूं, सबसे बेस्ट पावरफुल एप्लीकेशन है जिससे मैं पर्सनली अपना फोटो बनाता हूं, मेरे जान किसी को आज तक शेयर नहीं किया एंड आप लोग को भी बताना नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक फॉर लाइक एंड शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो बने रहेगा, सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चले जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस जैसा आप लोग को सेटिंग बताने वाले हैं आप लोग जान करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे यार RDX पहले ये क्यों नहीं बताए कि कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग करके एडिटिंग करते हो। सो दोस्तों जैसे कि आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं, जैसे मैं जिस फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ अगर आप लोग जान जाएंगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना मेरी जान। तो यहाँ पे आप लोग फेस के ऊपर फोकस कीजिएगा एंड हर वीडियो में आप लोग कह रहे हैं कि आर्टिस्ट भाई फेक बता रहे हो, तो आप लोग के सामने लाइव प्रूफ है, जिस भाई को सीखना होगा ना सिर्फ वही आप लोग वीडियो को देखिएगा, अन्यथा प्लीज़ रिक्वेस्ट है अभी से आप लोग वीडियो को छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो फिल्टर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना भाई OP एडिटिंग करके आप लोग के सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। अगर मैं लास्ट में नहीं दिखाया या बीच में नहीं दिखाया तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को हम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जान। एंड आप लोग मुझे ब्लॉक भी कर सकते हैं, पूरा 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है मेरी जान, कि आप लोग को मैं इतना बवाल का कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग न्यू फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो आप लोग थंबनेल देख करके मेरे वीडियो पर आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि जितना ज़्यादा मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मेरा फोटो अलग हर तरीके का एडिटिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। और आप लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ वन ही क्लिक में बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं तो यहाँ पे ये वाला बेस्ट है या ये वाला बेस्ट है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 100 वाला बेस्ट है, तो इसको आप लोग डन कर लीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग को सेव कर लेना है, ठीक है। एंड जैसे आप लोग सेव करते हैं तो मैं आप लोग बताऊँगा ये कहाँ पर है ऑप्शन जो आप लोग को मैं सेव करके दिखाया, ठीक है। एंड अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस फोटो को शेयर कर लेना होगा Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट शेयर कर लीजिएगा। सो दोस्तों इतना करना, सिंपली यहाँ पे आप लोग देख लीजिए नीचे, जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऊपर से नीचे Lightroom फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग को ओपन कर लेना होगा Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन। हाँ तो जाने मन हम लोग आ चुके हैं Lightroom मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे जाते हैं एंड यहाँ पे देखिए एक कॉपी सेटिंग रहता है एंड एक पेस्ट सेटिंग रहता है। तो आप लोग सोचते हैं यार RDX जब मैं पेस्ट करता हूँ तो हमारा फोटो क्यों नहीं चेंज होता है, एंड जैसे आप करते हो तो आपका फोटो कैसे चेंज होता है। भाई इसके लिए ना आप लोग को हल्का सा मेरे वीडियो पर टाइम देना रहेगा, ठीक है। जैसे आप लोग टाइम देंगे तो आप लोग मेरे जैसा एडिटिंग बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में सिर्फ वन क्लिक में तो मैं अपना फोटो बनाता हूँ एंड आप लोग भी बनाना सीख जाएंगे। जैसे कि कलर ऑप्शन पे आ जाते हैं, मिक्स पे क्लिक कर देते हैं एंड इसका पीछे का बैकग्राउंड हम लोग हल्का सा ग्रीन करेंगे एंड इसका ह्यू आप लोग को 100+ ही रखना होगा। एंड इतना करना, सिंपली ऐसा आप लोग इसोलेशन पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे एंड इसका लिमनेस आप लोग बढ़ा लीजिएगा। एंड अब आप लोग क्या कीजिए, फोटो में क्वालिटी देखिए, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर एक बार फिर से देख लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर। एंड आप लोग भूलिएगा मत कि मैं आप लोग को ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जो आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगा वन क्लिक में एडिटिंग बिफोर एंड आफ्टर। एंड इसको मैं स्मूथ भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग सोचेंगे आर्टिस्ट भाई हर वीडियो में फेस स्मूथ नहीं सिखाते हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को पूरा अच्छे से फेस को स्मूथ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड हल्का सा तबीयत खराब है, ठीक है जाने मन, तो सपोर्ट करना बनता है, ठीक है जान, क्योंकि हमेशा मैं नया ट्यूटोरियल लेकर के आता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ऑटोडेस्क ओपन हो चुका है, तो इसमें हम लोग शेयर कर लेते हैं फोटो को। जैसे आप लोग शेयर करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाने वाला है मेरी जान। तो यहाँ से आप लोग को बैक कर लेना है एंड आप लोग फोटो को शेयर कर लीजिएगा। एंड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे अपने ओठ के ऊपर, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड ये वाला ब्रश आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पर आकर के प्लस पर क्लिक करके लेयर पर क्लिक करके नॉर्मल एंड सॉफ्ट लाइट कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है। एंड फोटो जूम करने उसके बाद आप लोग सिर्फ अपने ओठ के ऊपर लिपस्टिक अप्लाई कीजिएगा। तो जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे भाई कुछ अलग ही लुक आता है फोटो में, ठीक है, मैं पहले आप लोग को बता दिया, ठीक है जान, आप लोग के फोटो में जान आ जाती है, ठीक है, लिपस्टिक को अप्लाई करने से लिप्स के ऊपर, ठीक है। एंड आप लोग रेड कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिए कितना अच्छे तरीके से लग रहा है फोटो का लुक। एंड इतना करना, सिंपली इस सोल्यूशन पर आ जाइएगा एंड आप लोग ओरिजिनल पर क्लिक कर लीजिएगा, नीचे जो होगा उस पर क्लिक करना। फिर से आप लोग पेंसिल आइकन लाइब्रेरी में आप लोग आ जाइएगा एंड यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा ब्रश बहुत सारा सेटिंग मिल जाएगा, तो ये वाला ब्रश हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एंड सेटिंग वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे, फॉलो को क्या कीजिएगा 9, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा आप लोग। एंड स्टेंथ 27 रखिएगा एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा एंड फोटो को जूम कर लेना है
एंड उसके बाद से आप लोग अपने फेस को स्मूथ करेंगे। मैं पूरा फेस को स्मूथ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग अपने फेस को स्मूथ करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 1% कहीं पे भी ब्लैक नहीं आ रहा है। एंड मैं बहुत ही कम टाइम में मैं आप लोगों को बता दिया। एंड मैं पूरा अपने फेस को स्मूथ करके आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। एंड जो मैं आप लोगों को 1 क्लिक में एडिटिंग बताने वाला हूँ, वो भी बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ठीक है जान। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आ गया ब्लैक ब्लैक, है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, फोटो को जूम करके अच्छे से आप लोग स्मूथ कीजिएगा। जैसे आप लोग अच्छे से स्मूथ करेंगे तो आप लोग का फेस मेरे जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही कम टाइम में मैं अपने फेस को स्मूथ करके दिखा दिया आप लोगों के सामने। यहाँ पे देख लीजिए, सर्कल बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए मैं आप लोग बताता हूँ कि जो मैं सेटिंग किया था उसको कैसे किया था, ठीक है। तो सबसे पहले बैक आ जाएंगे, एंड ये हम लोग का ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आप लोग को कोई सा भी फ़ोन हो, एडिट वाला ऑप्शन रहता है, ठीक है जान। एंड यहाँ पे फिल्टर्स रहता है, तो फिल्टर्स पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ से आप लोग देखिए कि आप लोग अपने फोटो के हिसाब से यहाँ से आप लोग बढ़ा घटा भी सकते हैं, ठीक है जान। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना औसम तरीके से, अगर आप लोग का फेस ज़्यादा ब्लैक होगा तो ज़्यादा आप लोग लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए कितना औसम तरीके से, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ऐसा मैं सिखाता हूँ कि आप लोग मतलब बहुत ही कम टाइम में एंड सिंपल आसान तरीका मैं आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पर ये प्रीसेट बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दिया, आशा करते हैं मेरे जान वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग डाटा से वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे जान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू एंड जय हो सिद्ध बाबा।